हाय एवरीवन, वेलकम बैक पमिक दुनिया व्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे 11:30 और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो आजकल आप लोगों किचन का काम कुछ ज़्यादा दिख रहा है। वैसे तो हर किसी के घर में किचन में काम होता ही है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच बनाना होता है, फिर डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम ब्लॉगरों की एक लाइफ का हिस्सा होता है किचन, तो आप लोग इग्नोर कर रही है, मत सोचना कि मैं हमेशा किचन का ही दिखाती हूँ। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूँ बहुत सारा सब्जियाँ डालकर मिक्स वेज तड़का। और मैं आज सुबह सब्जी नहीं बनाई थी, हल्का फुल्का सा एक नाश्ता बनाई थी और बच्चों को वही लंच में दी थी। तो मैं सोची थी कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे मेरा सब्जी का काम चल जाए। और मैंने अपने किचन में ऐड किया है ग्रीनरी, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये वाला लुक बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मेरे पास है 2 तरह की दाल, अरहर है और चना है। बहुत सारा दाल अभी लेकर आना है मुझे। हालांकि आप इसमें 4-5 टाइप का दाल मिक्स कर सकते हो, जैसे चना हुआ, अरहर हुआ, मसूर हुआ, मूंग हुआ, उड़द की दाल हो, इन सबको डाल कर और बहुत सारी सब्जी ऐड करके, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी हुआ, गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, ये सब ऐड करके आप इस सब्जी वाले दाल को बना सकते हो। और जब ये बन जाता है ना, तो आपको दाल चावल के अलावा सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है ये, और ख़ासकर इसमें अगर क्रीम डाल दोगे ना, घर का क्रीम, तो और भी अच्छा लगता है। और अभी टमाटर इतना महंगा हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि जो चीज़ भी बनाओ उसमें टमाटर ऐड होता ही होता है। पहले मेरे फ्रिज में 2-3 केजी टमाटर रहता था, लेकिन अब ये हालत है कि फ्रिज में केवल 1 केजी टमाटर रहता है। उसको भी मुझे 4 से 5 दिन चलाना पड़ता है, क्योंकि भाई बजट गड़बड़ हो जाएगी। 140 से 160 रुपये केजी आप टमाटर नहीं खा सकते हो। जहाँ मेरे घर में छोले में 6-7 टमाटर में डाला करती थी, राजमा हुआ या फिर दाल में 2 डालती थी, लेकिन अब क्या है कि दाल में 1 ही डालती हूँ और सब्जियों में मैं कभी कभी डालती हूँ। आप मैं इसमें शर्म सी कौन सी बातें हैं, मैं सच बता रही हूँ कि आजकल मैं सब्जियों में टमाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। बिना टमाटर का ही मैं सब्जी बना रही हूँ, बहुत महंगा हो गया है। और पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें महंगा होती है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, जैसे टमाटर हुआ, प्याज हुआ, कभी कुछ हो, कभी कुछ महंगी हो जाती है। और बारिश में, वैसे तो मैंने सुना है मम्मी मम्मी से कि बरसात में सब्जी वैसे भी महंगा होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम टमाटर इतना महंगा हुआ है और ना जाने कब ख़त्म होगा ये महंगाई। और अभी तो बारिश, और अभी तो बारिश 2 महीना है, तो मेरे ख्याल से टमाटर भी क्या 2 महीना ही महंगा रहेगा। और खाना बनाते बनाते अचानक मेरी नज़र पड़ी मेरे वॉल रैक पर, जो मैंने ऑर्गेनाइजर लिया था फ्लिपकार्ट से, तो मेरा दिल इतना बैठ गया है ना कि क्या बताऊँ मैं। ये इतना बेकार, इतना घटिया क्वालिटी का निकला कि एक तो इसका जो स्टिकर था पहले ही निकल गया, तो फिर मैंने इसको कील पे लगा रखा है, छोटा सा जो कील होता है ना वाइट वाला, पता नहीं कौन सा कील बोलते, जो वायर वायर सेटिंग करती है वो वाली, उसका पीछे कैसा निकाल के मैंने लगा दिया, और ये उस पर भी नहीं टिक रहा, आगे की तरह एकदम लटका हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि मैं जो डी मार्ट से अपना कंटेनर लेकर आई थी कांच का, मैंने इस पर ही रखा हुआ है, और मुझे डर लग रहा है टूट गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो फिलहाल लंच की तैयारी हो गई है मेरी, और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए केक। मेरे पास एक बिस्किट था यूनिबेक का, लेकिन कोई नहीं खा रहा उसका, उसको कोई नहीं खा रहा, तो मैं सोच रही हूँ उसी का मैं बना देती हूँ केक, और बच्चे आएंगे स्कूल से तो काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो यही सब चाहिए होता है ना, कुछ स्पेशल मम्मी बना के रखे, जब स्कूल से थके हारे आए तो उनको अच्छा लगता है। बात रैक की, तो इसलिए मैं आपको बोली थी कि जब मैं इसको यूज कर लूँगी तभी मैं आपको बताऊँगी कि काम का है कि नहीं। हालांकि मैं बोली थी 1-1.5 महीने, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मुश्किल से 10-15 दिन ही टिका होगा, उससे ज़्यादा कोई टिका ही नहीं है।
तो कोई कोई चीज़ें ना इतनी घटिया निकल जाती है, हम मंगाते हैं कि हमारा दिल बैठ जाता है, क्योंकि भाई हम जो है इसमें पैसे डालते हैं, 150, 200 या 300, पैसे तो पैसे ही होते हैं ना, और इतनी मेहनत से हम कमाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में आता है। तो फिलहाल इसका मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगी, और अभी फ़िलहाल इसको मैं अभी यहाँ नहीं लगाने वाली, इसको न्यू क्वार्टर में ही लगाने वाली हूँ। और खाना बनाते बनाते हम ना एक साथ बहुत सारे काम निपटा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खाना बनाते बनाते मैंने क्या किया, मैंने अपना वाटर बोतल क्लीन कर लिया है। सो गाइज, आज मेरा केक ख़राब हो गया और ये बीच से बैठ गया है और साइड से मुझे लग रहा है कि जल गया है, अजीब सा हो रखा है ये। और मैं इसको टेस्ट करी कि पका है कि नहीं, तो टूट रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो क्या मैं बच्चों को दूंगी, कच्चा भी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं और पकाती हूँ तो और जल जाएगा, मुझे लग रहा है मेरी मेहनत बेकार गई। सो गाइस, इतना सारा सामान आ रखा है यहाँ पे, मैंने सबको यहाँ पे रख दिया है, कुछ फ्लिपकार्ट से, कुछ मीशो से, और कुछ को मैंने खोल कर देख लिया, जैसे ये है और ये है, जो जो कांच का है मैंने खोल कर देख लिया कि सही है या ख़राब है। और यहाँ तो केला है, ये नहीं मैंने ऑर्डर किया है, मैंने खरीद के लाया है, मतलब मैं खरीद कर लाई हूँ, इसको मैंने खोला नहीं है, और यहाँ पर भी है। तो इन सब का मुझे वीडियो बनाना है आप सबके लिए, और ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ सही है, और सब ना 500 के अंदर के हैं। तो इन सब का मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगी, ताकि आप लोग अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करके रख सके। हालांकि ये सब तैयारी मेरी चल रही है नए किचन के लिए, तो फिलहाल आज शाम को मैं बना लूँगी, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा बिजी जाने वाला है ऐसे ही। और जब घर में सामान मंगाओ ना, तो हमसे ज़्यादा तो हमारे पड़ोसी परेशान है, सोचते हैं कि पता नहीं इनके घर में इतना सामान क्यों आ रहा है। इतना सामान, पड़ोसी बोले कि आपके घर में 4-5 दिनों से इतना सामान आ रहा है, डेली 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 आ रहा है। मतलब चीज़ें मंगा रखी हैं, कुछ चीज़ें सही होंगी तो रख लूँगी, कुछ चीज़ें नहीं सही होंगी वापस कर दूँगी। ऐसा थोड़ी कि सब इंसान रख ही लेगा, मंगाता तो है लेकिन थोड़ा बहुत ही रख पाता है ना। तो अभी फ़िलहाल बजने वाला है 1:30 और 15-20 मिनट में मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, और कड़ाके की धूप को रखी, और आज तो जो केक की बैंड बजी है ना, पता। फिलहाल लंच वंच बन गया है मेरा, और आज शाम को जाना है ग्रोसरी लेने के लिए, वो लेकर आऊँगी और सामान को सेट कर दूँगी सारा। यहाँ मैं थोड़ा सा हवा खाने के लिए कूलर के सामने लेटी थी, तब तक लाइट चली गई। भगवान को भी पता नहीं क्या है, भगवान थोड़ी ना लाइट करते हैं, मैं भी क्या बोल रही हूँ, लाइट चली गई है। अभी मैं चलती हूँ अल्ट्रासाउंड करती हूँ, और से भी टाइम हो ही गया बच्चों को लाने के लिए, तो चलते हैं बच्चों को लाने। सबसे पहले कूलर बंद करते हैं, नहीं तो इन्वर्टर पों 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 करने लगता है बाहर ना। अभी पता नहीं अजीब सा मौसम, धूप छाया अजीब सा, कभी कभी लग रहा है जैसे बारिश हो गई, लग रहा है कि बहुत तेज गर्मी जैसा, ठीक है, अचानक सा बिहार टाइप का है ना ये। तो चलो भाई चलते हैं, चश्मा कहाँ है। 3 पंखे चलाकर बैठी हूँ मैं, ये टेबल फैन, कूलर और ये पंखा, तीनों। पहले फ्रिज बंद कर देती हूँ, इन्वर्टर ऑन करने से पहले कूलर फ्रिज सब बंद करना पड़ता है, ये सब तो चलता नहीं। वो इन्वर्टर है हमारे दूसरे रूम में, चलो। सो गाइस, बच्चे आ गए और बच्चों को दिखाते हैं केक, इनका रिएक्शन देखते हैं। देखो ब्राउनी है, इसके ऊपर चॉकलेट डाल दो और अच्छा लगेगा। फिर कैसा लग रहा, हलवा है क्या? कैसे खा रहे, इनको ये नहीं पता है कि ये खराब हो गया है, मतलब पक गया, टेस्ट में अच्छा है लेकिन जो शेप होना चाहिए वैसा नहीं है, पैर काटने से पहले ये पहले ही टूटा हुआ है, देखो पहले से ही। पर खाने में कैसा है, इसके ऊपर चॉकलेट लगा, चॉकलेट नहीं है ना, वही है। सो गाइस, मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ अपना स्कूटी सीखना, जो मेरा बंद था घर जाने के टाइम में, मतलब 4-5 दिन तक मैंने नहीं सीखा, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात, इतनी इनकी स्कूटी इतनी भारी लग रही है, मुझसे निकल ही नहीं रहा। मैं बहुत कोशिश की यहाँ से निकालने के लिए आंगन से, पर मेरे से चढ़ नहीं रहा, देखो वहाँ से निकालना पड़ता है मुझे यहाँ तक। तो अभी स्कूटी, ये बेटा इसको इसको कपड़े से साफ करो, पता नहीं
अच्छा उस दिन का उड़ाए थे कीचड़ आप। जब मैं ग्रोसरी लेने गई थी इनके साथ और मैं इनकी गाड़ी के पीछे खड़ी थी, इन्होंने ऐसा क्या किया आपने, हाँ क्या एक्सीलेटर दिया कि पूरा कीचड़ मेरे मुंह छोड़कर यहाँ से पूरे कपड़े पे आ गया, साथ साथ हेलमेट पे भी आ गया। देखो इसको साफ करो, मैं इसको नहीं पहनकर जाने वाली हूँ। चलते अभी ड्राइविंग सीखने, और ये ना हेलमेट इतना छोटा है ना, मेरा कान दबता है। पापा सही बोल रहे थे, ये ओला वालों ने हेलमेट ठग दिया है, बच्चे के हेलमेट दे दिए। चलो तो फाइनली मुझे थोड़ा बहुत स्कूटी चलाने आ गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि साइड में देखकर कैसे स्कूटी चलाते हैं, स्लो में कैसे चलाते हैं, और ख़ासकर कि जब भी ब्रेकर आता है ना, मैं धीमे करती हूँ स्कूटी ना, तो मेरा ना बैलेंस ख़राब हो जाता है, मैं गिरने वाली हो जाती हूँ। तो और नहीं तो दोनों साइड से अगर कोई इंसान है और एक साइड से गाड़ी है, तभी मेरा बैलेंस ख़राब होता है। और आप देख ही सकते हो मैं बिल्कुल सीधे देख रही हूँ, डर के मारे इधर उधर भी नज़र नहीं जाती। जब मुझे हॉर्न भी बजाना होता है ना, और मैं नीचे देखती हूँ, फिर मेरा बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो अभी बहुत कुछ सीखना है, तो आई होप मैं स्कूटी चलाना सीख जाऊँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।